नमस्कार जूले, आज हमारे अनशन का ये तीसरा दिन ख़त्म होने जा रहा है और काफ़ी कठिनाइयाँ भी हैं। दिल्ली की गर्मी है, मच्छर हैं, कहते हैं डेंगू जैसे बीमारियाँ भी हो सकती है, चींटियाँ हैं, कीड़े हैं, मगर फिर भी हम सबके हौसले बुलंद हैं। अब भी सोचा आपको एक अपडेट दें कि तीसरा दिन हम यहाँ पर डटे हैं। अभी तक हमें कोई संदेश नहीं आया। जो शीर्ष नेताओं से मिलने का आश्वासन दिया गया था राजघाट पर, जिस पर हमने वो अनशन तोड़ा था, उसे पूरा करने का अभी तक नहीं आया। उससे भी ज़रूरी है कि लद्दाख के नेतागण, जो एपेक्स बॉडी और केडीए के ज़रिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे थे लद्दाख का समस्या हल करने का, वो दोबारा शुरू हो, ये हमारी सबसे ज़रूरी मांग है। बाकी जो भारत के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति महोदया या गृहमंत्री हैं, उनसे मिलने का तो हमारी विनती है। इससे वो छोटे नहीं होंगे, वो और बड़े होंगे, बड़प्पन होगा उनका कि ये लोग जो हज़ार किलोमीटर से पैदल चलकर पांव में छाले लिए भारत की अंतिम सीमा से आखिरी नागरिक आए हैं देश की राजधानी में, उनसे अगर वो मिलते हैं तो उनका ही बड़प्पन होगा, उनका ही कद बड़ा होगा, और नहीं मिलते हैं तो हताशा होगी हमें ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों में जो सीमा पर रहते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के, उन सब का दिल टूटेगा और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। बहरहाल हमें खुशी यह है कि यहाँ पर हमें हर धर्म, हर दल के लोग मिलने आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे मिलने आ रहे हैं और बड़े बड़े दलों के नेता यहाँ मिलने आई। वृंदा कराट जी आईं, योगेंद्र यादव जी आए और कांग्रेस के दिल्ली के मुख्य नेता मिलने आए। और सबसे बड़ी बात, और जिसका कि मैं हमेशा आशा करता रहता था, कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ हमसे मिलने आए और मुरली मनोहर जी जोशी जी का संदेश भी लाए। तो हम यह हमेशा सोचते आए हैं कि हर पार्टी में ऐसे लोग ज़रूर होंगे, बीजेपी में भी, जिनको कि लद्दाख के साथ जो हुआ उस पर न्याय हो, ऐसा लगता हो, जो सत्य के साथ खड़े हों, क्योंकि लद्दाख के साथ वचन दिए गए 2019 में 20 में कि लद्दाख को छठवीं शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा, तो लिखित में वचन दिए गए उसको पूरा करने के तो सबसे ज़्यादा आग्रह तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से करना चाहूँगा कि आपको भी सत्य के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पार्टी आपकी और मजबूत होगी। अगर आप वचनों को ठुकरा दें तो लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा। तो जिस तरह से पार्टी के सदस्य भी हमारे साथ सहानुभूति जता रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, उससे हमारा विश्वास और बढ़ता है सत्य में, कि लोगों में अभी भी सत्य और न्याय की मूल्य इज्जत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो विनती है कि लद्दाख के साथ न्याय हो, जो बातचीत चल रही थी वो दोबारा शुरू हो, उसका आश्वासन, उसकी एक तिथि या डेट हमें जल्द से जल्द दी जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होता है, हम सब यहाँ पर अनशन के लिए हैं। और मेरा जो आमरण अनशन है उसका तरीका ज़रा अलग सा है। पहला अनशन 7 दिन का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का, अब की बार 4 हफ्ते का, या मृत्यु जो भी पहले आए। तो इस तरह से हम आमरण अनशन पे रहेंगे जब तक कि लद्दाख की ये वार्ताएं दोबारा शुरू ना हो। और आप लोगों के इस समर्थन का, जो यहाँ आके किया या जो बहुत लोगों ने समर्थन में हमें संदेश भेजे, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और हम सब जो पदयात्री लद्दाख से आए, जिनमें से 25 हमारे साथ हैं, हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और झूले कहते हैं, झूले।